चलने जा रहा है इधर से नहीं। और इसकी रक्षा के लिए कौन खड़ा है यहाँ पे? क्या हुआ, मिली क्या? तुम पागल बातें कर रहे हो, मजाक में मतलब पर चाहिए मुझे। अरे भाई चेक करवाने कुछ जा रहा है। क्या सीरम, ये क्या रखा हुआ है तूने? तो साथ रख रही है तो गद्दार है। तो गाइस मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी अभी भैया शूटिंग के लिए निकल चुके हैं। गोलू, पायल, चीकू, बच्चे सब सो रहे हैं। जाते जाते एक बार इनसे मिल भी लेते। पायल के पैर पे सूजन आ गई है काफी। पायल का भी आज गाना शूट था तो पाओ में सूजन आने की वजह से मैंने गाना कैंसिल कर दिया है। ठीक है पायल, जा रहा है जी। ठीक है, बेटी सो रहा है, चीकू जा रहा हूँ मैं। चलना थोड़ी देर में आ जाओ। नितिन चाचू यही है, नितिन चाचू यही है, नितिन चाचू यही है। मम्मी को भी ले आना, तू थोड़ा घूम के चला जाइयो। नींद पूरी करा, हम आएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, तेरी कसम, बस ऐसे मत करना। सुबह सुबह नितिन चाचू यही है, मिलवाऊ, बात करूँ। मैं भी सेट करवा रहा हूँ, तू आराम से आ जा। तो भाई तूबा भी सो रही है और तूबा के पापा मुझे भी शूट पे ले चलो, तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ। इसको कैसे ले जाओगे यार? अरे संभाल लूंगा मैं, बहुत सारे लोग नहीं संभाल सकते। क्यों? सीख लेती है। चले बेटी, चलो आशीर्वाद दो पापा। दे दो तो। ठीक है, जा ले जाने देना। नहीं नहीं, चलन जा रही है। शुई शुई कर रही है। हाँ चलन जा रहा है इधर से। नहीं चल चीकू, सो जा। तो गाइस हम हो गए बिल्कुल रेडी, तो हम निकल चुके हैं शूट के लिए। तो आज शूट की लोकेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, डांसिंग सॉन्ग है बहुत ज्यादा कमाल का है, तो आप देखना मत भूलना। 15 तारीख को रिलीज होने वाला है और लड़की फुल तैयार। आई एम रेडी। फाइनली गाइस हम सेट पे पहुंच गए हैं और ये है हमारा मेकअप रूम, यानी मेरा नहीं, मेरा दूसरा है, ये वैष्णवी का है। और थोड़ी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर हम पहुंच गए हैं, सिनेमैटिक दिखा देता हूँ। तो गाइस गाना शुरू होने से पहले भैया थोड़ा सा मेकअप शेकअप थोड़े खतबत बनवा के शुरू हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर जोरों शोरों से भैया मेकअप चल रहा है वैष्णवी का, और हमेशा की तरह नीरज भाई आ गए हैं। और नीरज भाई ने अपने जो हेयर स्टाइल है वो चेंज कर लिया है, और इसकी रक्षा के लिए कौन खड़ा है यहाँ पे? ऊपर टेम्परेचर सही है, ऊपर टाइगर। तो गाइस अभी छोटा सा नुकसान हो गया भाई, मेरा पर्स रखा था अनुज ने और एक घंटे से मिल नहीं रहा। कार भाई मैंने सूरज भाई के हाथ में दिया था। उन्होंने कहा मैंने कहा भाई को दे देना, मैं उधर चला गया था। आपने बोला यार तुम इतने लोगों रखा हुआ, इसलिए रखा हुआ बाहर हो गया, तभी मैं तो यार रख के गया था, मुझे लगा आप अंदर जाओगे। देखिए यार बात पैसे की नहीं, उसके अंदर आईडी प्रूफ है, सब कुछ है, लाइसेंस वगैरह भी होंगे, सारी चीजें सब कुछ है, बनेंगे थोड़ी। अब दिल्ली में जाके थोड़ी लाइसेंस बनवाऊंगा, इसलिए दिया था तुम्हारे को, इसलिए देता कि ताला लगाओ, चाबी अपनी जेब में रखो यार। तब तक तो थे सूरज भाई, मैं तो उधर कैमरा है, कैमरा भी तो नहीं आया, कैमरा भी नहीं है, लक्ष्य पूछ कर जा। सोफे में मिल जाता है भाई, देखना अंदर पानी बोतल, पानी की बोतल है वो यार, ये क्या है? तो भाई उसमें भैया क्या है ना, सारे आईडी प्रूफ है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो दिक्कत ना कुछ नहीं है। 2-4 हजार रुपए थे, पैसों की दिक्कत है, तो आईडी प्रूफ बहुत ज्यादा थे। क्या हुआ, मिली क्या? पर्स कहाँ है? अरे तेरे से ये थोड़ी घर तेरे पास है, इसके उसको ज्यादा मैंने सूरज भाई को दे दिया, वो पता नहीं कहाँ उन्होंने, उधर भी नहीं है। आपने देखा भाई का पर्स? इसको थोड़ी देखा, तेरे को दिया था मैंने। मैं भाई उधर चला गया सूरज भाई को देख के, पता नहीं कहाँ भाई सूरज है, कहाँ रखा है? उस रूम में नहीं है भाई यार, कोई बात थोड़ी यार। मैंने तो बोला था ना, तो मैं कहीं भी जाना लॉक लगा लेना, देखो लॉक दिया इस पे। मैं स्पेशल कह के गया था भाई को दे देना, कह रहे बस शीशे का रख दिया था। भाई मैंने एक बार सबसे पूछ लेता हूँ, उसमें कैश तो नहीं था ना? कैश की दिक्कत है, 2-4 हजार रुपए थे, डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत है। हाँ तो भाई फिर वो ऐसे करते ना, कोई ना किसी बंदे को बोलते हैं कि आरसी वगैरह लाइसेंस वगैरह जो भी है उसके अंदर वो दे दे। तुम पागल बातें कर रहे हो, विदेश में क्या? अभी की तो बात है, 2 मिनट पहले गया जितिन भाई, सारे स्पोर्ट वालों को बोलो। हाँ जी सर जी, ढूंढते हैं वो करवा लो फिर। जितिन भाई सीरियस ले लो यार, बात होगा ना, मजाक में मत लो, एक बार याद। मैं भाई कैमरा देख रहा हूँ, देखो जैसे वो कैमरा लगा हुआ, देख वहाँ से पता नहीं चल जाएगा कौन रूम में घुसा, पर मैं पूछ क्या हूँ एक बार। मेरे को साथ आ, एक बार ना वहाँ चलो, सबसे पूछो, इनसे पूछो, बच्चों से पूछो, सबसे। भाई कोई रूम में तो नहीं गया था 3 नंबर में यार, पर्स चोरी हो गया यार। के चेक कर ले टाइगर, सबकी जेबें चेक कर भाई, सबकी चेक कर रहे हैं, बुरा मत मानना ठीक है ना? ये तो नहीं, ये नहीं, ये नहीं है भाई, कल ब्राउन कलर का है तो ज्यादा। बुरा मत मानना ठीक है भाई, चेक की तरह कर ले भाई, देखना ये तो नहीं है, सबकी ये तो नहीं है, नहीं नहीं इतना पुराना नहीं है। वैष्णव की जेब एक बार और पूछ लेते, इनको भेज दो साथ में, ओए जाके पता करा यार, मैंने उनको दिया था।
वैष्णवी यार इनका पर्स नहीं मिला तेरे पास था क्या? कौन सा वाला? वॉलेट छोटे वाला वॉलेट 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 तो मैंने देखा ही नहीं। पर्स का रखा है? मैं थोड़ी लेकर आई हूँ। ढूंढ के मजाक में मत लो, पर्स चाहिए मुझे। चप्पा चप्पा ढूंढो यहाँ का भाई। सबकी पर्स चेक कर रहा हूँ, सब करवा रहे चेक कर रहे हैं भाई। मेरी जरूरी चीजें हैं इसमें, जरूरत की चीजें पड़ी, मैं क्यों चेक करूं? तो भाई चेक करवाने, सब करवा रहे, करवा रहे। किसी और को भी देख लो ना कमरे में, लग रहा है ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ा चेक करो। अरे भाई चेक करवाने कुछ जा रहा है, चेक करने में कुछ जा रहा है। उसमें नहीं थे भाई, ये तो नहीं थे। नहीं, मेरे थे। ये क्या यही है क्या? यही है भाई, शर्म नहीं आती तेरे को? मुझे क्या पता किस कैसे आया? ये पैसे भी है इसमें, ये भी स्किन लग रहे मुझे, ये भी स्किन लग रही, ये भी पक्का स्किन लग रहा है भाई। ये भी नहीं पता, नहीं इसी में ही थे, मेरे को नहीं पता। तो ये पर्स भी तेरा नहीं है भाई? कह रहे इसमें ही थे, मुझे नहीं पता। पागल मत बना, समझ गया? ये क्या चश्मे चुश्मे किसके पाड़ी का रखे तूने? ये तो चीजें तेरी है ही नहीं भाई, ये किसी का पर्स है जरूर, ये पूछ लो किसी से। जतिन भाई तुम इतने दिन से उसको साथ रख रहे हो, तो गद्दार है भाई। ये किसी का पर्स यार ब्राउन, ये तो गलत बात है, तेरे को बोला तू ईमानदारी बने। उठा ले, उठा के ले चले, ऐसे चलेगा नहीं। तो कैसा लगा? सीरियस हो गया ना वो बेचारा, डर गया भाई, वो डर गया भाई। ये हमने मजेदार प्रैंक कर रहे थे, हमारे शूट में थोड़ा टाइम लग रहा है, कैमरे वैमरे पूरे रेडी हो गए और टेकिंग चल रही है हमारी भैया, सारा कुछ ताम झाम पूरा रेडी चल रहा है। आधे घंटे तक हम टेक देने वाले हैं। क्या लग रहा है ऊपर? भाजी वहाँ पे 4K पार लग रही है। हाँ? उससे आपका चेहरा एकदम खिल के आएगा। ओहो, तो आप अपने आर्टिस्ट बढ़िया दिखेंगे, आप अच्छे दिखोगे। तो गाइस बस थोड़ी देर के बाद टेकिंग चेक कराएंगे, मजा आने वाला फुल। तो गाइस हमारा हेयर स्टाइल तो हो गया डन, और अभी ड्रेसेस बस पहनने वाले हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो गाइस मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी, और आज मैंने गाने में लगाए हैं आंखों में लेंस, थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। ड्रेसेस भैया कुछ इस प्रकार है, आप देखो लड़की भी रेडी हो गई है। चलो भी चलो पूजा पाठ करता शुरू। तो गाइस इस गाने की डायरेक्शन मैं और आयुब भाई कर रहे हैं, आराम से बैठे यहाँ से और चेक कर रहे हैं क्या टेक होगा क्या नहीं होगा, और उसके बाद हम जाएंगे। पहले लड़की के स्लोमो ले रहे हैं हमारा, जिसमें बिल्कुल सही, और ये दिखा के भी आएगा क्या हो रहा है वहाँ पे। तो गाइस अब आ गई हमारी बारी, शुरू करते कार्यक्रम। तो गाइस मैं अभी टेक देके आया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, चेंज करना है। और अभी हमारी जो लड़की है वो लाल शरारे में आ चुकी है, और सामने भैया हमारे लिए बिछा दिया एक बेड। मुझे आ रही है नींद क्योंकि टेक है मेरा 1-2 घंटे बाद, तब तक मैं सोऊंगा आराम से। साउंड चलाना, हाय हाय जहर, गाना आने वाला बहुत जल्दी, और ये हमारी लुक है। यहाँ पर चलिए जबरदस्त शूटिंग, और साथ में यहाँ भी वैष्णवी क्या सब। एक तो ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं हमेशा चाहती थी इस टाइप का सॉन्ग हो, और वो पहली बार हो रहा है, एक तरह से ड्रीम पूरा हो रहा है मैं कहूँ तो। तो भैया चलो मत रीस करो, काम करो, कुछ करके दिखाओ। एंड कैसी लग रही है कमेंट करके बताना लड़की कैसी लग रही है। तो गाइस अभी सारे टेक मैं लेने वाला हूँ, अभी मैं शो भी शूट कर रहा हूँ, आप देख लेना भाई। ना भाई इस गाने का जो DOP है ना भाई साहब, चलो आओ DOP यार मेरा टेक ले लेंगे एक बार भैया, टेक लेना मेरा यार प्लीज।